गाइस वेलकम टू चैनल। आज हम मोस्टिंग करने वाले हैं माय केमिस्ट्री लैब की, जो कि एक्सप्लोर की तरफ से है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको 400 में मिल जाएगा। हमें इसमें मिलता है बलून्स, बेकिंग सोडा, सेट फूड कलर, स्मॉल मेजरिंग बीकर, बिग मेजरिंग बीकर, ड्रॉपर, प्लास्टिक स्पैकल्स, सेफ्टी कॉल्स, फनल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये 3 साल के बच्चों के लिए, 6 साल के बच्चों के लिए और 3 साल छोटे बच्चों को तो इनसे दूरी रखना है। इसमें वायरिंग लिखी है। आपको 3 QR कोड्स भी मिल जाते हैं, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप इन्हें स्कैन करके देख सकते हैं। ये नेट क्वालिटी 1U है। प्ले क्राफ्ट की तरफ से ये मिलता है और प्ले क्राफ्ट आ रहा है एक्सप्लोर का है। तो अब हम इसे खोलते हैं। इसकी वैसे प्राइस है 479। डेट ऑफ MGF है September 2021। प्रोडक्ट नेम माय केमिस्ट्री लैब, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। और वायरिंग भी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। माय केमिस्ट्री पीछे से बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको डिब्बा मिलता है ना। तो हम इसको खोलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे ओपन कर रहे हैं। हमें सबसे पहले हम ऐसा मिल जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। वाह, अंदर ग्लास पूरा आ गया। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरे को कोकम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी के हैं, पूरे सॉफ्ट एकदम इलास्टिक। पर मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखी, उसमें ग्लव्स भी थे, इसमें ग्लव्स नहीं आए हैं। और मेरे को इसकी मैनुअल बहुत प्यारी लगी, पूरी कलरफुल है, इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर हमें इसके पैकेट को खोलेंगे। थोड़ा खुला खुल गया है। हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के 3 ड्रॉपर्स मिल रहे हैं, बलून, 3 पैकलर्स स्पून से, और ये 1 फनल, और ये 1 स्मॉल बीकर, 1 बिग बीकर। हमें इसके अंदर फिर मिलता है बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड। फिर हमें इस पैकेट में कुछ बलून्स मिल जाते हैं, और ये हमें एक फूड कलर मिल जाता है, जैसे मतलब डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना है, बाकी सब कुछ हार्मफुल नहीं है। चलिए मैं आपको इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स करके बताता हूँ, और एक जुगाड़ वाला है। तो गाइस, मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, तो जुगाड़ वाला है, मैंने कहा था आप लोगों को। तो ये है जो फुग्गा फुलाने वाली पाइप आती है ना, उसका अभी मेरे पास बोतल नहीं है। तो मैं इसमें फनल को डाल के इसमें सिट्रिक एसिड डाल लूंगा 1 चम्मच। सिट्रिक एसिड खत्म पे चल रहा है, मैंने 2-3 बार भी कर चुका हूँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा कम ज्यादा कर दिया क्योंकि इसमें उतनी स्पेस नहीं है ना। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। आपको जिससे भी कर देता हूँ, आपको ध्यान से देखिए, बहुत मजे आएंगे। मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया है, चले गया है। अब इसको यहीं पे छोड़ के अब बलून की बारी आती है। तो बलून के लिए हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है 2 चम्मच। बेकिंग सोडा बहुत सारा आया है,
दिखा दो। पहले मैं एक और चम्मच ले लेता हूँ, फिर डाल के इसमें जरा सा पानी डालेंगे। अब मैं इसमें 10 या 15 ml पानी डाल दूंगा, 15 ml। डाल देंगे हम धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। पहले थोड़ा डालना है और मिलाना, फिर पीछे से गड्ढा कर, क्योंकि बेकिंग थोड़ा जा नहीं रहा था। मैं कम चीजें डाल रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना। पूरा पानी डाल के फिर से हम 10 ml पानी लेंगे। बड़े बीकर से और ये इतने पानी को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इस बलून को, आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा भी कुछ भी दूसरे डिब्बों में ना जाए। आप देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, एक मिनट चाहिए। तो ये है, आप देख सकते हैं आवाज आ रही होगी पास से आप लोगों को, देख सकते हो कितनी तेज मात्रा में बलून में भी पानी भर गया है, हवा भर रही है। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि मैंने खुद ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी मतलब ऑयल नहीं था। मैं तो आपको लावा लैंप बताया होता था रात के लिए, लावा लैंप भी इसमें, और पता नहीं मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट का उसमें 10 reasons था। अगर आपको इसका मतलब हो तो मेरे को ज़रूर बताया कमेंट में सेक्शन में, उसको चले तो मैं वो एक्सपेरिमेंट की आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। आप देख सकते कितना बड़ा बलून फूल गया है हमारा, और ये बहुत ही एकदम ठंडा हो गया है, देख सकते हैं आप, आपको अगर दिख रहा होगा तो नीचे से जितना वाइट वाइट एरिया बहुत ही ठंडा हो रहा है, और फुग्गे में डाल दे रहे हैं ना तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अभी देखिए एकदम बर्फ का पानी जैसा लग रहा है, इतना पहले भी नहीं लगा था, मैंने 2-3 बार कर चुका हूँ मैं, और इतना बड़ा भी नहीं पूरा था। अब मैं आपको इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा, उसके लिए इसमें 20 ml पानी लेना है, बेकिंग सोडा सिट्रिक एसिड, तो वही बस रिएक्शन ही होगा इसी टाइप का, और इसमें फूड कलर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा डालोगे ना तो ये बाहर आने लगेगा, और ये भी बहुत ठंडा हो जाता है। ये मतलब है कि इसको डालेंगे तो गैस निकलती है, तो उसी का एक्सपेरिमेंट है। आप देख सकते बड़ा बलून फूल गया, काफ़ी ठंडी लग रही है मेरे को, कहाँ बताऊँ। अब यहीं पर टेबल में पास में टिका देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। इसके लिए मैंने 20 ml पानी, मैं न्यूज़पेपर बिछा लूँगा नीचे, और अब हम सिट्रिक एसिड ले लेंगे। मेरे को मतलब सिट्रिक एसिड शक्कर ही हो, पूरा कंफर्म 7% शक्कर। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा गिरे तो चिपचिपा भी रहा था। आप लोग गूगल में सर्च करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते कौन पहले बताता है।
और अगर शक्कर ऊपर इसलिए मैं टेस्टिंग ही कर लूँगा, बेकिंग सोडा तो बहुत सारा है पर यही ख़त्म भी हो रहा है, जबकि दोनों की मात्रा तो सेम थी। ऐसा कर लिया, अब मैं पहले तो नीचे पेपर बिछा लेता हूँ और गॉगल्स पहन लेता हूँ, सेफ्टी गॉगल्स। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी गॉगल्स यहाँ पे छेद भी थे ऑक्सीजन, जिससे आंखों में जाए कोई दिक्कत ना हो, जो अटैक ना होता है ना। अब मैं पहले नीचे बिछा लेता हूँ, मैं इस पर ड्रॉपर की सहायता से फूड कलर डाल देता हूँ हेल्प से। ये डेंजर होता है, ये डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए स्किन पर। मैं इससे 2 ml ले लेता हूँ, पानी में डाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं अब मैं इसे डालने वाला हूँ। तो गाइस अब हम इस ब्लू पानी को इसमें डालने वाले, देखते गिर नहीं। ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं और ये हमने डाल दिया और ये बस बस गया, हालांकि गिर गया है दो तीन बार। आपको प्योर ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको एक गीला चम्मच खाऊंगा, ये लगता है इससे हिला के रखता हूँ। अब तो देख सकते कितना खतरनाक रिएक्शन हो रहा है, और हमारा जो बलून था वो अभी भी बहुत ठंडा हो रहा है, अब पर अब कम रिएक्शन हो रहा है। तो गाइस यही थे कुछ एक्सपेरिमेंट, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye guys.